पूरा विश्व आज एक जनसंख्या के बारूद पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। तो इस ओर ध्यान देने के लिए हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इस वर्ष की थीम और क्या क्या बन सकते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न, इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और इसका इतिहास क्या है और इस साल की थीम क्या है, पूरी बात जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास। इतिहास मतलब कब से स्टार्ट किया गया और क्यों स्टार्ट किया गया। दुनिया भर में हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसने की थी, यूनाइटेड नेशन की आम सभा में इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल 11 जुलाई साल 1987 में जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के पार हो गया था। 5 अरब के पार हो चुका था, कहाँ का, पूरी जो वर्ल्ड की जनसंख्या है उसका आंकड़ा। तभी लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए इसे वर्ल्ड लेवल पर मनाने का फैसला किया गया। हर राष्ट्र में इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि आज दुनिया के हर विकासशील और विकसित दोनों तरह के देश जनसंख्या विस्फोट से चिंतित हैं। बिल्कुल चिंतित होने वाली बात है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर अधिक जनसंख्या को कम करना है। तो मतलब मेन मोटो क्या है कि जनसंख्या कम हो, इसलिए ये मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। हाल फिलहाल जो पेपर होने वाले हैं, जैसे पैट का एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कब से स्टार्ट हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कम मनाया जाता है और थीम क्या रही इस साल की। तो थीम की बात कर लेते हैं। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बेस्ट। प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। इसका लक्ष्य अधिक जनसंख्या से उत्पन्न कठिनाइयों को उजागर करना और इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये इस साल की रही थीम। क्या है इस साल की थीम, प्रजनन दल में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना। अगर बात करें तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, चीन के बाद भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। चीन की आबादी के बाद भारत की ही आबादी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया के 18.47% में चीन का योगदान है। जो आबादी है उसका 18.47% चीन के पास है। वहीं भारत वैश्विक आबादी के 17.70% के हिस्से पर कब्जा करे हुए बैठा है। और अगर जल्द ही हमने इस पर नियंत्रण नहीं पाया तो हम चीन को कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे छोड़ने वाले हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र कहता है कि जनसंख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर प्रजनन आयु तक जीवित रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि और प्रजनन दर में बड़े बदलाव, शहरीकरण में वृद्धि और प्रवास में तेजी के साथ हुई है। यह चेतावनी देता है कि आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए विश्व स्तर पर जनसंख्या मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो चीन है। और उसका परसेंटेज आप देख सकते हैं कितना है, 18.47%। और साथ ही साथ भारत का योगदान विश्व जनसंख्या में 17.7% है और जबकि नंबर है 2। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।